इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और जो इल्म होता है वो हमें हर दौर हर इलाके में नवाजता है, ठीक है. इसी तरह हर चीज़ का इल्म है, जैसे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ठीक है, हिस्ट्री है. सो दे आर ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज. इसी तरह ज़बान जो है वो ज़बानों का भी एक इल्म होता है, ठीक है. और ज़बानों का इल्म सीखना भी बहुत ज़रूरी है. अगर हम कोई भी हुनर सीख लेते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कहीं ना कहीं एज के किसी हिस्से में जाके हमें जो है वो पे बैक कर रहा होता है. जब हम सीख रहे होते हैं शायद हमें उसकी अहमियत का इतना ज़्यादा उस वक्त पता नहीं होता है कि वॉट इट इज़ गोइंग टू पे अस बैक. लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में यही देखा है कि वॉट एवर आई हैव लर्न, तो इसने मुझे किसी ना किसी तरह से जो है ना वो पे बैक किया है. और मैं कहती हूँ कि अच्छा, मैंने तब वो ये चीज़ की, तब ये कोर्स किया था, और अब ये मुझे इस तरह से हेल्प आउट कर रहा है. तो इसलिए जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले, कोई भी स्किल कोई सिखा रहा हो, यू शुड गो देयर. एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. कासिम अली शाह माशाल्लाह जो है, ही इज़ इंटेलेक्चुअल, और उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है कि हम अपने स्किल्स को शेयर कर सकें. तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, एज यू नो. सो इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि अगर हमने कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम किताबों की तरफ जाते हैं, ठीक है. अब किताबों की तरफ जाते हैं या इंटरनेट की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, सारा कुछ, सारा इल्म, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंग्लिश में है. अब हम कहते हैं वहाँ पे हम आके फंस जाते हैं कि अब क्या करें. अगर हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारी ग्रामर अच्छी होगी, हमें वोकैबुलरी अच्छी आती होगी, तो हम उसको जैसे उर्दू में कोई चीज़ पढ़ते हैं या सीखते हैं, तो उसी तरह हमें लगेगा कि हर चीज़ जो है हमें बड़ी इजीली हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है. एज यू नो, आपको पता ही है, जितने भी तालीम याफ्ता कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अमेरिका, जहाँ पे जोन से भी कंट्रीज़ आप देख लें, जैसे फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस हो गया, सब अपनी अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा दे फील प्राउड. हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों वी आर नॉट प्राउड ऑफ़ दैट, लेकिन वी शुड बी प्राउड ऑफ़ दैट. लेकिन इंग्लिश जो है वो नागुज़ीर इसलिए हो गई है कि अब हम अगर कहीं किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जो लिंगवा फ्रैंका है, लिंगवा फ्रैंका क्या होता है, ऐसी ज़बान जो मुख्तलिफ मुमालिक में समझी और बोली जाए, मुख्तलिफ नेशंस के दरमियान में जो आपका कम्युनिकेशन का मीन होता है ना, तो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वो इंग्लिश लैंग्वेज रह गया. सो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी हो गया. अगर हम बाहर कोई बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं, इवन हम टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम एक्सप्लोर करें वर्ल्ड को, या ये भी हो सकता है कि सम टाइम वी वॉन्ट टू गो फॉर इमिग्रेशन पर्पजेज, हम वहाँ पर रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो अगर हमें इंग्लिश आती होगी तो हमारा वहाँ जाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना. तो मकसद पूरा होना बहुत ज़रूरी है, और मकसद को पूरा करने के लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है. साथ में जो है आपके लिए ये भी सीखना ज़रूरी है कि आपको जो है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जैसे ग्रामर है बेसिक, आपकी बेस जो है इसकी मजबूत हो. अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके. लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली बेस ही नहीं बनाई जाती हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे स्कूल्स में. स्कूल लेवल पे ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली. तो वो सब चैलेंजेस आप लोगों ने भी मेरा ख्याल फेस किए होंगे, वो हर कोई फेस करता है, मैंने भी वो फेस किए, और फिर खुद से बहुत एफर्ट की इस बैरियर को जो है वो अबूर करने के लिए ना. तो उससे फिर ये हुआ कि मेरा इंटरेस्ट भी था इसमें, और लेकिन मैंने कहा कि ये हमारी जो जनरेशन है इनको ये चीज़ जो है ना वो ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से फिर मैंने इसका बेड़ा उठाया. मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए. और वैसे भी बीइंग लेडीज़ हमें वी आर मोर देन 50% ऑफ आर नेशन, तो हमें जो है वो कुछ ना कुछ सर्व बैक करना चाहिए और अपना करियर खुद से बनाना चाहिए, ठीक है. हम लोगों को रादर देन वी शुड स्टार्ट विद जॉब, जॉब हम कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन जॉब को एक्सपीरियंस के लिए करें और उसके बाद अपना कोई बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें. आजकल तो बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो अब गर्ल्स और लेडीज़ जो हैं वो स्टार्ट कर रही हैं, जो कि बड़ा खुश आइंदा है और बहुत ही खुशी होती है देख के. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में ना, तो इसलिए आप जो है लैंग्वेजेस सीखें, मुख्तलिफ जो कंप्यूटर आईटी के कोर्सेज हैं वो ज़रूर करें, जब भी टाइम मिले सीख लें, कहीं ना कहीं आपको जाके इसका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है. अच्छा, अब हम अपने इंस्टीट्यूट में क्या करवाते हैं, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश कैंपस के नाम से मैंने इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है, वहाँ पर हम
आपकी जो फाउंडेशन और बेस है ना वो बनाते हैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से. हम समझते हैं आपको कुछ नहीं आता, हमारे पास जो भी आए हम उसको बिल्कुल बेसिक लेवल स्क्रैच लेवल से जो है वो लेके चलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना नॉलेज उनको इम्पार्ट कर सकें. ठीक है, रोज़ाना हम वोकैबुलरी करवाते हैं आपको. हमने एक ये तरीका बनाया हुआ है कि जैसे फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे से आपको जो है वोकैबुलरी विद लेटर ए के जितने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं which will be useful in your speaking as well as in writing, वो सारे आपको हम करवाते हैं. And how to use them in sentences, वो भी सिखाते हैं. तो उससे ये है कि जो हमारी hesitation हमें feel हो रही होती है ना, वो कई दफ़ा absence of vocabulary words की वजह से भी होती है. तो जब हमारे पास words होते हैं तो we are just like speaking, we just become talkative और हमें कोई hesitation feel नहीं हो रही होती है उस वक्त. तो ये हमने जो है हमारा जो इदारे का असल मकसद है वो यही है कि आपकी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए. ठीक है, वहाँ पे हम बेसिक लेवल भी करवा रहे हैं, एडवांस लेवल भी करवा रहे हैं. और आज भी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही एक कोर्स है जिसको हम कहते हैं आयल्स, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ. अब आयल्स क्यों ज़रूरी है? एक तो ये ज़रूरी है कि अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर योर स्टडी पर्पजेज, ठीक है, टू अदर कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे हायर स्टडीज़ के लिए आपको जो है वो आयल्स एक किस्म का आपका यू कैन से इट्स वीज़ा फॉर यू. ठीक है, अगर आपने आयल्स किया होगा आपको हर यूनिवर्सिटी जो है वो हंस के जो है वो एडमिशन देगी और उसी एडमिशन के बेस पे आपका जो है वो वीज़ा जो है वो एम्बेसी जो है वो ग्रांट कर देती है. तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. दूसरा, अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हैं, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्री वेयर इंग्लिश इज़ द बेसिक लैंग्वेज, तो उसके लिए भी आपको आयल्स ही करना पड़ता है. तो अब ये समझें कि अगर आपने खुद से कुछ करना है तो वो सिर्फ आयल्स है बाहर जाने के लिए, बाकी चीज़ें तो आपका कंसल्टेंट भी कर देगा, फाइल्स फाइल मेकिंग जो है और वो सारा प्रोसीजर जो है वो कोई भी कर देगा. लेकिन हमने क्या करना है, हमने जो है ये कोर्स करना है. ठीक है, अब आयल्स जो है वो बड़ा डिफरेंट सा एक वर्ड लगता है आयल्स, कोई इसको किसी तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, कोई इसको किसी तरह से कह रहा है, बट इसका बेसिक जो प्रोनाउंसिएशन है वो आयल्स है. ठीक है, और इट इज़ जस्ट लाइक आई ई एल टी एस. तो आयल्स जो है इसका जो बेसिकली इसको लिखा किस तरह से जाता है, तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसको जो है वो यूँ लिखा होता है आई ई एल टी और एस. ठीक है, अब ये है आयल्स. आयल्स बेसिकली जो है ये प्रोफिशिएंसी की असेसमेंट का टेस्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की जो असेसमेंट है उसका टेस्ट है. तो आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, सो ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज एंड टी स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग. यप, गुड, टेस्टिंग. एंड एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम. यप, सो इट इज दिस. सो this is actually the acronym of these words. acronym kya hota hai, basically jo word hum mukhtalif words ke sath jo hai wo banate hain. theek hai, aapne abbreviation ka suna hoga words. ab abbreviation jo hai to wo ye hai abbreviation, aur iska acronym yani ke word jo hai wo acronym hota hai wo hai IELTS. theek hai, so ye do cheeze hain ki abbreviation kya hai aur acronym kya hai. acha, अब आयल्स जो है इसकी जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स भी हैं. ठीक है, आयल्स जो है इसकी थ्री मेन टाइप्स हैं जो कि पाकिस्तान में, बाकी मुख्तलिफ ममालिक में दूसरी टाइप्स भी इसकी जो हैं वो होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इसकी टाइप्स हैं वो फर्स्ट इज़ एकेडमिक आयल्स, सेकेंड इज़ जनरल ट्रेनिंग जिसको हम जीटी भी कहते हैं, और तीसरी जो टाइप है इसकी वो है लाइफ स्किल्स. ठीक है, अब एकेडमिक आयल्स जैसे इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एकेडमिक वर्ड इज़ देयर, सो ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है. जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादातर आजकल लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कैनेडा, न्यूजीलैंड. सो वहाँ जाने के लिए, वहाँ की किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है वो आयल्स एकेडमिक करना पड़ेगा. अगर आपको इमिग्रेशन के लिए या माइग्रेशन के लिए जाना है किसी कंट्री में, तो फिर आपको आयल्स जो जनरल ट्रेनिंग है वो करना पड़ेगा. ठीक है, और आयल्स का जो टेस्ट है ना, पहले ये मुसीबत नहीं थी. आयल्स जब इंट्रोड्यूस हुआ, ये हुआ था
1989 में, ठीक है. उससे पहले बड़े मज़े से लोग जो हैं वो चले जाते थे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, बड़ा इजी था वीज़ा सिस्टम जो था. लेकिन वहाँ जाके फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. बात वही बैरियर ऑफ इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज बैरियर जो है वो आगे आ जाता था. सो उसके आड़े आने की वजह से ये होता था कि वहाँ पे आपके जो तरक्की के जो अदवार हैं उसमें काफ़ी डिले आ जाता था, तरक्की का सिलसिला थोड़ा स्लो हो जाता था. लेकिन अब उन्होंने ये इसको मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि जिसने भी आना है वो इंग्लिश जो है वो सीख के आए, ठीक है. तो इमिग्रेशन के लिए हमें जनरल ट्रेनिंग आइल्स करना पड़ता है. 2016 में इसकी थर्ड जो काइंड है आइल्स लाइफ स्किल A1 लेवल, ये भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है. और ये किस लिए होती है? ये है बेसिकली फॉर स्पाउस वीज़ा. अगर किसी के हस्बैंड या किसी के वाइफ जो है वो नेशनल है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री की, तो उसको उनको ज्वाइन करने के लिए जो है वो आपको आइल्स लाइफ स्किल A1 लेवल जो है वो करना पड़ता है. सो अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका फॉर्मेट भी बता देती हूँ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स, ठीक है, जो कि आजकल जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. तो इसका फॉर्मेट मैं आपको भी बताती हूँ. इसकी जो एग्ज़ाम का जो कंडक्ट कराने की बॉडीज़ हैं, दे आर 3, ठीक है. कौन कौन सी है? एक है ब्रिटिश काउंसिल, द मोस्ट फेमस एंड रिनाउंड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. इसकी ब्रांचेज जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंट्री में जो है ब्रिटिश काउंसिल का सेंटर है. तो इसका एग्ज़ाम जो है वो ब्रिटिश काउंसिल में कंडक्ट होता है. इसके अलावा सेकंड जो इसका एक और इंस्टीट्यूट है जो इसे कंडक्ट कराता है वो है IDP ऑस्ट्रेलिया, यानी कि AEO भी इसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस. तो ये दोनों ही जो है वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने के राइट्स रखते हैं. और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप AEO से एग्ज़ाम दें चाहे आप ब्रिटिश काउंसिल से एग्ज़ाम दें. तो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इसमें AEO से दें कि ब्रिटिश काउंसिल से दें, तो मैं कहती हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. दोनों जो हैं वो इक्वल हैं. बट देयर इज़ सम र्यूमर इन द एयर. वो क्या है कि जी जो AEO है वो थोड़ा लीनियंट है. स्टूडेंट कहता है जी हमने सुना है कि जी AEO बड़ा लीनियंट है. तो मैं कहती हूँ अच्छा, तो फिर गो फ्रॉम देयर. क्योंकि ये ना हो बाद में आप ब्रिटिश काउंसिल से अगर आपने दिया, आप कहें कि शायद वो ज़्यादा हार्ड आ गया या हमारे मार्क्स थोड़े कम आए हैं, सिर्फ स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, वरना फ़र्क कोई नहीं है इसमें, ठीक है. सो यू कैन जस्ट अपेयर फ्रॉम बोथ साइड. अच्छा, अब तीसरा जो इसकी एग्जामिनेशन बॉडी है वो है कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट, कैम्ब्रिज. सो दैट इज़ बेसिकली देयर फॉर चेकिंग ऑफ योर ऑल एग्ज़ाम्स. सो ये तीनों जो हैं पार्टनर्स हैं, और तीनों की पार्टनरशिप से आइल्स का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है, ठीक है. तो अपनी तरक्की के लिए हमें कुछ एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, तो फिर आइल्स जो है वो करें. और अगर आपने नहीं भी जाना किसी बाहर के कंट्री में, तब भी आप इसको करें, ताकि आपकी 4 स्किल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो इम्प्रूव हो जाएं. लैंग्वेज के ये 4 ही कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसी को ज्वाइन करके जो है वो एक लैंग्वेज जो है वो बनती है. अच्छा, अब इसकी मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ. पहली टाइप मैंने आपको जो बताई थी इसकी आइल्स एकेडेमिक, दूसरी जनरल ट्रेनिंग बताई थी. तो अब इसका जो फॉर्मेट है उसको देखते हैं कि क्या डिफरेंस है. अच्छा, अब फॉर्मेट में बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीकिंग टेस्ट, स्पीकिंग की स्केल होती है, ठीक है, स्पीकिंग टेस्ट होता है. और स्पीकिंग मॉड्यूल जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, स्पीकिंग मॉड्यूल में देयर आर थ्री पार्ट्स, ठीक है. सो फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, यस गुड, इंट्रोडक्शन, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज, यप, इट्स क्यू कार्ड, गुड, क्यू कार्ड. एंड थर्ड इज जनरल डिस्कशन, गुड. आप लोगों ने आइल्स सुनी क्या आवाज़ सबने? अब इसका जो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन का, इसका जो टाइम होता है दैट इज नियरली 3 to 4 minutes, ठीक है. इसकी ड्यूरेशन जो क्यू कार्ड है इसकी होती है 3 minutes ड्यूरेशन, और जो जनरल डिस्कशन है इसकी भी तकरीबन
4 to 5 minutes होती है. अच्छा अब पहला जो पार्ट है इसमें तकरीबन आपसे 3 to 4 or 5 to 6 क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर इंट्रोडक्शन, रिगार्डिंग योर सेल्फ. ठीक है, तो 3 to 4 minutes का जो है वो इंट्रोडक्शन होता है. उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका वो होता है क्यू कार्ड, वो 3 minutes का होता है. किस तरह से कि 2 minutes जो हैं वो आपको देते हैं वो टू स्पीक ऑन इट, और 1 minute पहले देते हैं टू प्रिपेयर इट. ठीक है, और जो थर्ड पार्ट इसका होता है जनरल डिस्कशन, वो भी 4 to 5 minutes का होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीकिंग का फॉर्मेट. अब हम इसको जो है वो देखते हैं. अच्छा, अब दूसरा जो है हमारा मॉड्यूल वो क्या है, लिस्टिंग है. अच्छा, अब लिस्टिंग में देयर आर 4 sections. इसमें जो है इसका ड्यूरेशन होता है 40 minutes का. इसमें जो प्रेप आपका जो बेसिकली डूइंग ऑफ दैट है ना, या इसका जो प्रेजेंटेशन है इसकी, उसका टाइम होता है 30 minutes. एंड जो इसका टाइम टू ट्रांसफ़र है ये होता है 10 मिनट का. तो ऑल टुगेदर जो है वो 40 मिनट्स का ये होता है. ठीक है, सो इसके अब 4 sections होते हैं और 40 मिनट्स का ये टोटल टेस्ट होता है. फॉर डूइंग ऑफ टेस्ट यू हैव 30 मिनट्स एंड टाइम टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स ऑन सेपरेट आंसर शीट, दैट इज़ 10 मिनट्स. सो इसके लिए जो है वो हमें बेसिकली जो पूरा टेस्ट है वो क्वेश्चन पेपर पे करना होता है. दैट विल बी प्रोवाइडेड टू अस, हमें वो दिया जाएगा. और जब हम कर लेंगे वो सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो हैं वो हमें आंसर शीट साथ में दे दी जाती है, उसके ऊपर हमने ट्रांसफ़र करने हैं विद इन 10 मिनट्स. सो 10 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ टाइम फॉर ट्रांसफरिंग दैट. सो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर दैट. सो काफ़ी अच्छा इसमें उन्होंने हमें टाइम जो है वो दिया है, सो वी कैन जस्ट ईजीली कंडक्ट दैट. ठीक है, अच्छा उसके बाद अब देखते हैं कि इसके अंदर जो 4 sections हैं वो उसमें क्या होता है. कि इसके जो 4 sections हैं उसमें जो पहला सेक्शन है ना हमारा, सो दैट इज फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट सोशल नीड्स. दिस इज ऑल बेस्ड ऑन सोशल नीड्स. ठीक है, सोसाइटी और एवरीडे लाइफ के बारे में ये होता है. सो इसमें बेसिकली जो है वो टू स्पीकर्स होते हैं जो आपस में दे विल बी जस्ट टॉकिंग विद ईच अदर. सो इसमें 2 speakers होते हैं एंड दे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल नीड्स, लाइक दे कैन बी टॉकिंग अबाउट एडमिशन. ठीक है, एडमिशन ऑफिस हो सकता है, वहाँ पे 1 will be candidate एंड 1 will be admission officer एंड दे विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट एडमिशन प्रोसीजर एंड ऑल एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट एडमिशन काइंड ऑफ स्टाफ. या फिर इसमें सेलिंग ऑफ समथिंग हो सकती है, जैसे 1 person इज देयर एट सम शोरूम एंड देयर इज 1 customer एंड 1 seller. सो सेलिंग ऑफ कार और एनी प्रोडक्ट कैन बी देयर. ठीक है, सेकेंड में ये जो है बेसिकली दे कैन बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग. ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है, ये भी इसी की एग्जाम्पल है पार्ट 1 की. ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो भी सोशल एस्पेक्ट के ऊपर होता है. सो सोशल एस्पेक्ट के ऊपर होगा, लेकिन इस पे जो स्पीकर है वो जस्ट 1 होगा. ठीक है, सो ही विल बी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, लाइक ही कैन जस्ट टेल यू अबाउट सम हेल्थ सेंटर, ही कैन बी टेलिंग यू अबाउट सम जिम और सम ऑक्शन और समथिंग लाइक दैट. तो वो करोगा डिस्कस एंड यू जस्ट नीड टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ वॉट एवर ही इज स्पीकिंग एंड यू विल बी जस्ट डूइंग दैट. ठीक है, अब जो इसका थर्ड पार्ट होगा दैट विल बी एकेडेमिक बेस्ड. ठीक है, ये एजुकेशनल होता है और इसके अंदर जो है वो 3 to 4 speakers होते हैं. इसमें तो बस हशर हुआ होता है बहुत सारे लोग जो है वो बोलना शुरू कर रहे होते हैं उसमें, और यू जस्ट फील कि कौन बोल रहा है, कौन सी बात किसने की है. सो 3 to 4 speakers होते हैं इसमें एंड दे विल बी जस्ट टेलिंग यू अबाउट सम
they can be just telling you about something like library, or they can be just telling you about something like any orientation kind of stuff, or any course or deadline of course, something assessment of anything as well. So 3 to 4 speakers will be there. ठीक है. और जो fourth part होगा इसका वो भी यानी कि educational होता है. और इसमें कितने लोग होते हैं? So just one speaker will be there, but he will be very fast. And he will be just telling you something about any library. ठीक है. और about internet department or anything like that. So there are 4 sections. अब क्या होता है, हर section जो है, first section will be the easiest one, second one will be tougher, third में थोड़ा और वो difficult हो जाता है, और fourth में तो वो बता देते हैं कि they are not Pakistani, so they are just Britishers or Americans or Canadians. अच्छा, इसमें एक्सेंट जो है वो भी डिफरेंट यूज होता है. इसमें सबसे ज़्यादा एक्सेंट जो यूज़ होता है वो है ब्रिटिश एक्सेंट. ठीक है, लेकिन इसमें अमेरिकन एक्सेंट भी यूज़ कर लेते हैं, और कभी वो जो है ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट भी यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. जो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट है ना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो वो स्टूडेंट को डॉज करने के लिए दे जस्ट गिव इट. तो हमें इन सब एक्सेंट्स की जो है वो तैयारी करनी चाहिए. ब्रिटिश एक्सेंट जो है वो काफ़ी इजी होता है, उसके लिए आप बीबीसी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो देखें, और अमेरिकन एक्सेंट्स जो है उसको आप ग्रास्प करने के लिए सीएनएन देखें, और बाकी ऑस्ट्रेलियन और जो कनेडियन एक्सेंट है वो भी आ जाता है, उसके लिए आप पॉडकास्ट सुनें. बहुत सारे पॉडकास्ट जो हैं, यानी कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट लेक्चर होता है अबाउट एनीथिंग, जिसमें टेड टॉक्स आपने आई थिंक सो यू हैव गॉन थ्रू दैट, तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी की वीडियो देख सकते हैं, यानी 5 मिनट्स की भी अवेलेबल हैं उसमें, बिल्कुल 2 to 3 मिनट्स की भी अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू द टाइम यू हैव गॉट. अपना आप यू कैन जस्ट हैव योर हैंड फ्री इन योर ईयर्स एंड यू कैन जस्ट लिसनिंग टू दैट. उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और जब आप एक्चुअल एग्ज़ाम में अपेयर होगे तो देर विल बी नो डिफ़िकल्टी फॉर यू. ठीक है, सो लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, क्योंकि अगर आपके आंसर्स ठीक हैं तो कोई इसको गलत नहीं कर सकता. सो इट्स जस्ट लाइक मैथ, यू कैन गेट 9 out of 9 बैंड्स इवन. ठीक है.